हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेट वाला सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लेन कपड़ा है उसको हमने 4 मीटर लिया है, क्योंकि इसी कलर की हम सलवार बनाएंगे। और जो हमारी नेट है तो वो नेट हमने 2 मीटर लिया है, क्योंकि हम फुल बाजू सूट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लेन कपड़ा है तो उसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। और यहाँ पर लंबाई नापेंगे नेट से, हमें जो हमारा अस्तर होता है तो उसको हमें कम कटिंग करना होता है। तो यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 27 इंच। तो 27 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 28 इंच की लंबाई रखी है। यहाँ पर जो हमारी किनारी है वहाँ से छोड़ के ही हमने सूट की लंबाई नापी थी। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच का मार्जिन लेंगे बाजू सिलने के लिए, और यहाँ से आर्महोल की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम आर्महोल की लंबाई 6 इंच लेंगे, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम 1 इंच की आर्महोल की गोलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने आर्महोल की गोलाई 1 इंच रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर सीने की चौड़ाई 16 इंच है, तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे कमर के लिए 6 इंच पर। और यहाँ पर तीसरा निशान हमें लगाना है 12 इंच पर हिप के लिए। और यहाँ से कमर की चौड़ाई नापेंगे, तो कमर की चौड़ाई है 14 इंच, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और हिप की चौड़ाई हम लेंगे 17 इंच, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान को लगा देते हैं। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो हमारा घेर है उसको भी हम 17 इंच लेंगे, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। यहाँ पर भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिए हैं, अब हम कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और यहाँ पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से नेट वाली कुर्ती कटिंग करी है। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इससे हमें पता चलता रहेगा कि इतना हमारा फोल्ड होगा। और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी। यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, तो जो कपड़े की बंद साइड है उसको हमें अपनी तरफ रख लेना है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पल्ले को रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। इस तरह से सेम निशान लगाना है। यहाँ पर हमने आर्महोल की गोलाई आगे वाले पल्ले की 1 इंच रखी थी,
तो पीछे वाले पल्ले की हमें आरमोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगा देते हैं। साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक, फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट को लेंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पर हमें देख लेना है कि जो नेट है तो उसकी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। तो यहाँ पर जो हमने प्लेन कपड़े से पल्ले की कटिंग करी थी तो उसको हमें इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था नीचे की तरफ तो उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें नेट की लंबाई 3 इंच बढ़ा के लेना है। तो इस तरह से निशान लगा देते हैं। और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर भी निशान को लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उसको फोल्ड करके हमारी नेट की लंबाई देखिए यहाँ पर 3 इंच हमने बढ़ा के ली है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। 70 से 3 इंच बढ़ा के ही हमें नेट की कटिंग करनी होती है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इससे हमें पता चलता रहेगा कि इतना हमारा फोल्ड होगा। यहाँ पर हमें आरमोल की तरफ नेट की कटिंग ज़्यादा कर लेनी है क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तभी बाद में अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो जो ऊपर वाला पल्ला है इसको हटा देंगे और सेम इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। और जो आगे वाला पल्ला कटिंग करा था तो उसी के बराबर हमें पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से पल्ले को रखेंगे एक बराबर। और ऊपर वाले पल्ले के ही नाप से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम दोनों पल्ले में बी सेंटर पर कट लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने नेट वाला भी दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो नेट को हम अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो नेट है वो एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे से बराबर कटिंग कर लेना है। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें बाजू की लंबाई 16 इंच लेना है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी फुल लंबाई 17 इंच है, जिसमें हम 1 इंच की झालर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 16 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेना है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों निशान को मिला देना है। और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। ये कट हमारा शोल्डर के बिल्कुल 20 सेंटर पर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम बाजू को उस तरह से खोलेंगे। और आगे की साइड हमें आधा इंच की गहराई देनी है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आएगा। और जो हमारी इतनी नेट बची है, तो इससे हम क्या करेंगे, झालर और कॉलर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने प्लेन कपड़े से आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करी है। और यहाँ पर मैंने नेट से दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेट वाला सूट की कटिंग करना सिखाया है। और दोस्तों इसकी सिलाई हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये सूट बहुत ही सुंदर बनने वाला है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बंद कॉलर के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं विनती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।